नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज हम उस जानवर की बात करेंगे, लकड़बग्घा। बड़ा आकर्षक सा जानवर तो नहीं लगता? शरीर पर इसके फर जो होते हैं वो भी बड़े बेतरतीब फर होते हैं, जैसे किसी ने अपने बाल बड़े उससे काट लिए हों। कुल मिला के एक अजीब सा ही जानवर लगता है। मैं इतना अच्छा नहीं बना पाया, लेकिन कुछ ऐसा ही जानवर लगता है। डिज्नी के लकड़बग्घे आपने देखे होंगे, लायन किंग में थे, जो उसके विरोधी राजा के साथ खड़े होते हैं। पर लकड़बग्घे की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने हमारे शीर्षक में देखा, क्या लकड़बग्घे हंसते हैं? लकड़बग्घा हंसता है। लकड़बग्घे की हंसी अगर आपने नहीं सुनी, आप सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाए अंदर तक, मतलब बिल्कुल अंतरात्मा भी डर जाती है ऐसी हंसी की। बिल्कुल पागलों वाली हंसी होती, भयानक वाली हंसी वो लकड़बग्घा करता है। लकड़बग्घा के बारे में चलिए पहले जान लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि भाई देखने में तो कुछ खास नहीं होते, इसके अलावा ये मरे हुए जानवरों पे पलते हैं। मरे हुए जानवर जो सड़ा हुआ है जंगल में, कुछ सड़ रहा है मर रहा है, उसको जाके खाना होना शुरू कर देते हैं और उन पे ही ये पलते हैं। इनका खाना इस तरीके से होता है कि इनके शरीर से भी काफ़ी दुर्गंध आती है, देखने में भी अच्छे नहीं होते। मगर इसका मतलब ये नहीं कि काम के नहीं होते। दोस्तों, जितने भी जानवर हैं जो गंदगी हमारे साफ करते हैं, कौआ है, गिद्ध है, सुअर है, लकड़बग्घा, ये कौआ वगैरह जंगल में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, सुअर वगैरह भी जंगल में होते हैं। तो जो प्रकृति में सफाई करने वाले हमारे जानवर हैं उनका हमें बहुत एहसान मंद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ना होते तो प्रकृति में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, गंदगी साफ करते हैं, हमें इनका एहसान मंद होना चाहिए। चलिए, बात फिर वही आती है, क्या लकड़बग्घे हंसते हैं? तो इसका उत्तर सबसे पहले है, जिस अर्थ में हम सोचते हैं उसमें नहीं, हंसी। जब हम सब कहते हैं ना, ये शब्द कहते हैं हंसी, हंसना, तो हंसी में खुशी को प्रदर्शित करना, यही तो होता है हमारे। किसी भी तरीके से लकड़बग्घे जब हंसते हैं तो वो खुशी को प्रदर्शित नहीं कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके से, उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम अपने मनुष्य हंसता है। आपको बता दूं, चार तरह के लकड़बग्घे होते हैं मुख्य रूप से, और उसमें भी आपको जान के हैरानी होगी, जिस हंसी की हम बात कर रहे हैं, 18 तरह की हंसी हंसने की योग्यता रखते हैं। योग्यता ही कहूंगा क्योंकि ये तो एक दूसरे से संपर्क करने का माध्यम है ना इनका। ये जब हंसी हंसते हैं तो दूसरे लकड़बग्घे इनकी उम्र, इनका स्वभाव, इनका मूड, इनकी बात, बहुत सारी गुस्सा, बहुत सारे, मैंने कहा 18 अलग अलग तरह की हंसी अगर हंस रहे हैं तो स्पष्ट है 18 अलग अलग तरह के भाव प्रकट कर सकते हैं केवल इस हंसी से। तो लकड़बग्घे हंसते भी हैं और हंसते भी नहीं। आप कहेंगे ये क्या मजाक है, तो मैंने अभी आपसे कहा लकड़बग्घे हंसते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं लकड़बग्घा हंस रहा है तो हमारा वो भाव नहीं होता है। हंसी का मतलब हमारे लिए तो हंसी का एक पारिभाषा होती है, एक पारिभाषिक शब्द है, ये एक परिभाषा होती है इसकी, जिसमें हम हंसी को लेते हैं। और जब हम कहते हैं लकड़बग्घे हंस रहे हैं तो मन में पहले हमारे मन में हंसी वही परिभाषा आती है, मगर वो परिभाषा इनकी कहीं नहीं होती। आप कह सकते हैं इनकी वो आवाज होती है जो हमारी हंसी से मिलती जुलती है, लेकिन उसके द्वारा ये हंसने का भाव नहीं प्रकट कर रहे होते हैं, बल्कि अलग अलग संदेश दे रहे होते हैं। जैसे बाकी जानवर दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं, ये हंसने की आवाज निकाल के अपने भाव प्रकट करते हैं। तो सच्चाई क्या हुई, लकड़बग्घे हंसते हैं लेकिन नहीं हंसते, और यही सच्चाई है। हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए, हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।